हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल डेली सफर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सोनी टीवी के सभी ऑडिशंस ओवर हो चुके हैं और शो को मिल गए हैं उनके टॉप 15। और पिछली वीडियो में हमने उनके बारे में आपको ऑलरेडी बता भी दिया, साथ ही हमने एक कंटेस्टेंट रितु रिबा के बारे में भी बताया था जो अनफॉर्चुनेटली इंडियन आइडल में सिलेक्ट नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने अपनी सिंगिंग से जजेस के साथ साथ ऑडियंस का भी दिल जीत लिया था। ऐसे में आफ्टर दैट रितु ने अपने फैंस के लिए इंस्टा पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लोगों के सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक्स कहा और उन्हें दुखी होने से मना किया क्योंकि वो अगले राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। रितु ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें बेहद खुशी है कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली अपने अरुणाचल प्रदेश को इतने बड़े मंच पर रिप्रेजेंट करने की। आगे वो लिखते हैं कि मुश्किलें तो लाइफ में आएंगी ही, लेकिन उन्होंने इनको पॉजिटिव लेना शुरू किया है और उससे कुछ सीखा ही है। आगे वो लिखते हैं कि इंडियन आइडल ने कितनी ही सारी वॉइसेस को प्लेटफॉर्म दिया है, साथ ही हर आर्टिस्ट को मौका दिया जिनके लिए इतनी सारी ऑडियंस के बीच गाना एक बस ड्रीम होता है। तो हमें शो पर और उनकी जजमेंट्स पर पूरा भरोसा है। और में रितु ने लिखा कि रितु बिलीव करते हैं कि भगवान ने हर किसी के लिए एक रास्ता चूज किया है ऑलरेडी और एक ना एक दिन वो भी अपना रास्ता खोज ही लेगा। इसी पोस्ट पर इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी ने रितु की पोस्ट पर कमेंट किया कि तुम एक स्टार हो, और ये नोट देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई कि रितु के पास इतना बड़ा दिल है और एक साफ नजरिया है कि वो कौन है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि तुम एक कंपोजर भी हो, राइटर भी और सिंगर, साथ ही अपने सॉन्ग्स खुद ही बनाते हो। और साथ ही विशाल ने कहा कि वो अब भी उस धुन को गुनगुनाते हैं जो रितु ने ऑडिशन के टाइम पे गाया था। आगे विशाल ने रितु के सॉन्ग हिट होने की बात कही और साथ ही सॉन्ग रिकॉर्डिंग और रिलीजिंग में कोई भी दिक्कत आने पर पूरी हेल्प करने की बात भी कही। और विशाल ने कमेंट कर सच में रितु का हौसला अफजाई किया है। तो ये थी रितु की पोस्ट जिस पर विशाल का कमेंट आया, और ये रिप्लाई करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, रितु की इस पोस्ट और विशाल के इस कमेंट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।